हेलो फ्रेंड्स, अक्सर वर्कआउट करने के बाद कई बार हम ज़्यादा थक जाते हैं, इसीलिए वर्कआउट से जुड़ी चीज़ों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि वर्कआउट के दौरान कैसी कैसी परिस्थितियाँ होती हैं जिनका सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आइए बिना किसी देर के जानते हैं उनके बारे में। ज़्यादा वर्कआउट करने की वजह से कई बार हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें से टिप नंबर 1 है सांस का भूलना। अक्सर जब भी हम वर्कआउट कर रहे होते हैं तो एक्सरसाइज के टाइम पर हमारी सांस फूलने लगती है, जो कि एक सामान्य बात है। लेकिन अगर हम जब बैठे होते हैं एक्सरसाइज करने के बाद, जब आप अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद भी आपकी सांस फूलती रहती है, तो यह सीधा संकेत है कि आप जरूरत से ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, जो कि आपकी बॉडी को अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। टिप नंबर 2, सीने में परेशानी। यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो आपके सीने में परेशानी हो सकती है। यदि किसी भारी एक्सरसाइज या व्यायाम करने के बाद आपके सीने में जलन या फिर ऐठन होती है, तो इसको हल्के में ना लें। ये हार्ट अटैक या फिर हार्ट फेल का खतरा बन सकता है। नंबर 3, उल्टी आना। ज़रूरत से ज़्यादा वर्कआउट करने से कई बार आपको उल्टी भी आ सकती है। वो इसलिए होता है कि जब भी हम खाना पीना खाने के बाद वार्म अप करते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो ज़्यादा वेट उठाने की वजह से हमारी सांस फूलने लगती है। परिणाम स्वरूप हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है, जिसकी वजह से सारा खाना उल्टी के जरिए बाहर आ जाता है। नंबर 4 है बुखार। यदि आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपको बुखार भी हो सकता है, और बुखार के टाइम पर एक्सरसाइज करने की सलाह कोई भी जिम ट्रेनर आपको नहीं देगा, खास तौर पर जब आपके बुखार का टेम्परेचर 100.5 डिग्री सेल्सियस हो। इसीलिए कभी भी आपको बुखार हो तो आपको वर्कआउट नहीं करना चाहिए। टिप नंबर 5, मांसपेशियों में दर्द। ज़रूरत से ज़्यादा वर्कआउट करने से मांसपेशियाँ हद से ज़्यादा खिंच जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी लचीली तो बनती है लेकिन उसमें दर्द बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। एक्सरसाइज और व्यायाम करना हमारी बॉडी को लचीला बनाने के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा करने पर हमें हमेशा नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है। इसीलिए इन सारे टिप्स को आजमाइए और अपने व्यूज़ को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।